Good morning, my dear students. Today I am back again here with a new lecture. But before we begin our lesson, today I just want to know whether you are fine at home or not. I hope you all are fine because your parents are taking care of you. And better, one more thing, you have to use sanitizer also daily, okay? And don't step out. I know very well you are staying at home only and you are not stepping out of the house, okay? So better stay at home, use mask also if you find means whenever you want, you know, you want to go out, okay? But try to stay at home only, okay better? So today we will cover the same lesson that we took yesterday of lesson number 3, means chapter number 3, lecture number 2, book's name Essence, and today's topic is lesson 3, the first butterflies book exercise. Today I will tell you what are the things given in your book, means in book exercise. Lesson I already explained, but today we will take its book exercise, okay? So without wasting our time, this is the thing that I told you, okay? Now we will move further. Contents. In this lecture, things which are given, question answers, thinking caps on, dictionary focus, compound words, and last, homework. First of all, we'll do its question answers. Thinking caps on. Thinking caps on means how much you can think, okay? Means this will assess your thinking. Next, dictionary focus. Dictionary focus means how much you are using your dictionary, or how many words do you know very well, whose spelling you know, which spelling are correct and which spellings are wrong, that whether you know or not this thing. Compound words. Compound words means the words which are formed using two words which have their own meaning, okay? And homework also. तो ये चीजें आज हम cover करेंगे इस lesson में. I think आपको बहुत अच्छे समझ में भी आ जाएगा. चलो start करते हैं. Next lecture बेटा summary lecture होगा lesson 3 का, first butterflies का. First lecture में मैंने explanation दी थी. Second lecture में आपको ये मैं इसकी book exercise दिखा रही हूँ. और थर्ड लेक्चर जो मेरा बनेगा वो होगा फर्स्ट बटरफ्लाइज का, वो भी समरी लेक्चर, ओके? उसमें मैं समराइज करूंगी इसी लेसन को दोबारा. अगर आपको तब भी समझ में ना आया हो, लेसन नंबर 1 में समझाया था, तो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो, समरी लेक्चर, ओके? एंड आफ्टर समरी लेक्चर द सेम प्रोसीजर वी विल फॉलो, असाइनमेंट, रिविजन असाइनमेंट, एंड देन विल बी अ टेस्ट ऑफ द सेम लेसन, ओके? नाउ क्वेश्चन आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू. तो बेटा इसमें आपका ए पार्ट में क्या गिवन है आपके बुक में वो मैं बताती हूँ. पहले ए पार्ट, पिक वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट डिस्क्राइब द कलरफुल क्रिएचर्स कॉल्ड बटरफ्लाइज, मींस स्टोरी में से वो वर्ड्स हमें पिक करने हैं, वो वर्ड्स हमें छांटने हैं या उठाने हैं, दैट डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं द कलरफुल क्रिएचर्स, कलरफुल क्रिएचर्स को जिनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल दैम बटरफ्लाइज. मतलब बटरफ्लाइज को डिस्क्राइब करने के लिए कोई भी वर्ड्स आपको जो स्टोरी में गिवन है वो मुझे बताने हैं. तो जो दो वर्ड्स जो स्टोरी में गिवन थे वो थे वंडरफुल एंड कलरफुल, ओके? क्रिएचर्स बटरफ्लाइज डिस्कवरी से पहले जब पोएट ने ये दो वर्ड यूज करे थे उसके लिए, एक तो वंडरफुल और एक कलरफुल, वंडरफुल और कलरफुल. वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक, कलरफुल मतलब रंग बिरंगी, ठीक है? क्योंकि ये फर्स्ट क्रिएचर्स उन्होंने डिस्कवर किए थे, तो ये उनके लिए बड़ा ही, मतलब बड़े ही यूनिक थिंग थी उनके लिए, अजीब वियर्ड थी उनके लिए फर्स्ट थिंग थी ये, ठीक है? तो हम क्या क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करेंगे, वंडरफुल एंड कलरफुल. इफ यू डोंट नो व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बेटा एडजेक्टिव्स ही बोलते हैं. जैसे मैंने कहा आपसे कि इफ यू हैव टू डिस्क्राइब योर मदर, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब योर मदर, मम्मी के बारे में आप क्या बताओगे, वो कैसी है. डिस्क्राइब करना मतलब उनके अपियरेंस के बारे में, रूप के बारे में बताना कि वो कैसी हैं, या उनकी हैबिट्स के बारे में बताना कि वो कैसी हैं, ठीक है? तो आप क्या बता सकते हो कि माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, ओके? शी इज वेरी प्रिटी, ब्यूटीफुल हैं, प्रिटी हैं, शी इज वेरी लविंग, केयरिंग, ठीक है?
दीज आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, या फिर उनके बहुत लंबे बाल हैं, शी हैड लॉन्ग हेयर, लॉन्ग यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ओके, शी कुक्स डिलीशियस फूड, तो डिलीशियस यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो ये होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. नाउ बी पार्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब हमें इनके आंसर्स दे रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स इसमें ओनली फोर हैं, तो आज हम फोर क्वेश्चन आंसर्स को हम यहाँ पे करेंगे. उसके बाद आपको सेम क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में करने हैं वर्ड मीनिंग्स के बाद में. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एल्डर ब्रदर वरी. एल्डर ब्रदर जो था वो वरी, चिंतित क्यों था. जो एल्डर ब्रदर था, जो पॉइंट था जो इसका, वो चिंतित क्यों था. जो ऑथर था वो चिंतित क्यों था. पॉइंट नहीं बोलेंगे हम, ऑथर बोलेंगे. पॉइंट होता है उसके लिए पोयम के लिए, और ऑथर होते हैं जो हम स्टोरी बताते हैं उसके लिए, जो लिखते हैं, तो उनको हम ऑथर बोलते हैं. तो व्हाई डिड एल्डर ब्रदर वरी, एल्डर ब्रदर वरी क्यों था, चिंतित क्यों था, उसको टेंशन किस बात की थी. बेटा देखो, जब वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा था, पृथ्वी पर घूम रहा था, उसकी ब्यूटी को एंजॉय कर रहा था, तब उसने बच्चों को देखा, बच्चों को देखे वो बहुत खुश हुआ, फिर उसको एकदम बहुत दुखी भी हुआ. वो एक चिंता में आ गया. वो चिंता क्या थी, आंसर देखो इसका. एल्डर ब्रदर वरीड बिकॉज वन डे द चिल्ड्रन माइट बी सैड, सिक, और कुड बी हंग्री. एल्डर ब्रदर वरीड इसलिए था, देखो वरी की सेकेंड फॉर्म होती है वरीड, और मैंने आपको पहले बताया था अगर यहाँ पे डिड यूज होता है तो हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, जो मैंने यूज करी है वरीड. ओके, वाई हट जाएगा वहां से, वाई को हम रिमूव कर देंगे और वाई की प्लेस पे आईईडी लगा देंगे. ओके, सो एल्डर ब्रदर वरीड बिकॉज, एल्डर ब्रदर वरीड था, चिंतित था क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि. मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी क्वेश्चन वाई में होता है तो उसका आंसर बिकॉज में आता है. ठीक है, वरीड बिकॉज वन डे, बिकॉज वन डे एक दिन, द चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, माइट बी सैड दुखी होंगे, सिक मतलब बीमार भी रह सकते हैं, और कुड भी हंगरी या फिर भूखे भी हो सकते हैं. तो इसलिए वो उस सिचुएशन को सोच के वो बहुत ज्यादा दुखी था, चिंतित था, या फिर ठीक है उसको इस बात की बहुत ज्यादा टेंशन थी कि एक दिन क्या हो सकता है कि बच्चे किसी ना किसी बात की वजह से दुखी हो, बीमार हो जाए या हंगरी हो जाए. तब उस टाइम जब बच्चे खुश नहीं होंगे तो उस टाइम क्या कर सकता है वो. ठीक है, तो ये सब मतलब उसको दिमाग में, ये बात उसके दिमाग में आई और वो इस बात को लेकर बड़ा टेंस हो गया, या फिर वो वर्ड हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एल्डर ब्रदर्स आइडिया. अब एल्डर ब्रदर को क्या आइडिया था, के पास क्या आइडिया था बताओ. एल्डर ब्रदर के पास क्या आइडिया था बच्चों को खुश करने के लिए, उसने क्या आइडिया सोचा. एल्डर आंसर इज, एल्डर ब्रदर हैड एन आइडिया टू डू समथिंग यूनिक फॉर द चिल्ड्रन. एल्डर ब्रदर को एक आइडिया आया कि वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यूनिक करेगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा करेगा. यूनिक होता है बेटा सबसे अलग काम करना. ठीक है, काम तो वैसे हमारे, जैसे मेरे बर्थडे आता है, बर्थडे पे आपके फ्रेंड्स ने, किसी ने चॉकलेट दी, किसी ने पेंसिल दी, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, लेकिन उस दिन पापा और मम्मी ने आपको एक साइकिल गिफ्ट करी, तो वो आपके लिए यूनिक गिफ्ट हो गया, सबसे अलग गिफ्ट हो गया. ओके, तो वो होता है यूनिक. यूनिक मतलब अलग, सबसे अलग. तो एल्डर ब्रदर को क्या आइडिया है कि वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ यूनिक करेगा, समथिंग कुछ यूनिक मतलब सबसे अलग करेगा फॉर द चिल्ड्रन. थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड एल्डर ब्रदर पुट इनटू द बैग. एल्डर ब्रदर ने बैग में क्या डाला. ठीक है, आंसर इज, अब देखो एल्डर ब्रदर ने जब आइडिया उसको आ गया तो बैग लेके आया और बैग में बहुत सारी चीज उसने फिल करी. ठीक है, अब वो चीज देखते हैं क्या क्या है. एल्डर ब्रदर फिल्ड द बैग विद फ्लावर्स, रेड एंड येलो लीव्स. एल्डर ब्रदर ने बैग को किस किस से फिल किया, किससे फिल किया, फ्लावर से, फूलों से, रेड एंड येलो लीव्स, रेड और येलो लीव्स से फिल किया. ही ऑल्सो पुट ब्लू फैदर्स ऑफ पिकॉक, और उसने उसमें और क्या डाला, ब्लू फैदर्स ऑफ पिकॉक, पिकॉक के ब्लू फैदर्स. ठीक है, मोर के नीले नीले पंखों को भी डाला, गोल्डन कॉर्न, सुनहरे रंग की जो मक्का होती है, मक्का के दाने, वो भी डाला. एंड एडेड बिट ऑफ सनशाइन, और थोड़ा सा उसमें सूरज की शाइनिंग मतलब सनशाइन को भी थोड़ा उसने ऐड करा उसके अंदर. ठीक है, सूर्य की किरणों को या फिर उसके शाइनिंग पार्ट को, जो चमकती है, उस चीज को उसने उसमें भी ऐड कर दिया. और इसमें एक चीज और आएगा बेटा कि उसने जो ब्लेड से ग्रीन ग्रास के वो भी ऐड करे थे. ग्रीन ग्रास के जो ब्लेड थे, घास की जो ऊपर की जो होती है पतली पतली सी, वो उसने वो भी डाली, वो भी आप लिख सकते हो इसके अंदर. ठीक है, इस आंसर को आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो. फोर्थ क्वेश्चन,
गिव वर्ड्स दैट डिस्क्राइब योर फीलिंग्स व्हेन यू सी अ बटरफ्लाई. तो कुछ वर्ड्स बताने हैं कि वो आपकी फीलिंग्स को डिस्क्राइब करे जब आप बटरफ्लाई देखते हो. सपोज आपने एक बटरफ्लाई देख ली तो आप क्या उस टाइम कैसा फील करोगे, तो आपको डिस्क्राइब करना है. तो अगर मैं बटरफ्लाई देखती हूँ तो मैं क्या फील करूंगी, आई फील हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड. तो आप क्या फील करोगे, सेम आप भी यही फील कर सकते हो, हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटेड, अमेजिंग, ओके, लविंग. मतलब आपको भी ये वाली फीलिंग्स आएंगी. अगर आप कुछ और फीलिंग्स आएंगी बटरफ्लाई को देख के, तो यू कैन राइट योर सेल्फ योर आंसर. ओके, इस आंसर को आप अपनी वे में भी लिख सकते हो. ठीक है बेटा, सो अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे. नाउ सी नेक्स्ट, थिंकिंग कैप्स ऑन. अब आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को असेस करते हैं, देखते हैं आपको कितना आप सोच सकते हो किस चीज के बारे में. सम कलर्स हिडन इन द लेटर स्ट्रिप टू नो इट. ये इसमें ना, ये जो आपको स्ट्रिप दे रखी है ना, इसमें कुछ कलर्स हैं. ठीक है, सम कलर्स आर गिवन दिस स्ट्रिप, यू हैव टू टेल मी अकॉर्डिंगली. मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ का हमें आंसर देना है वो कि इसमें ही है, इसी स्ट्रिप में मिलेगा आपको इसका आंसर. ओके, इस स्ट्रिप में कुछ कलर्स के नेम है, वो कलर्स के नेम हमें यहाँ से अपनी थिंकिंग को थोड़ा बढ़ाओ अपनी. ठीक है, इंक्रीज करो उसको, और फिर सोचो कि यहाँ पे कौन कौन से कलर आएंगे. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो, कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर दो, थोड़ी देर रोक दो, उसके बाद आप इसमें कलर्स फाइंड आउट करो और उसके बाद उनको फिल करो. ठीक है, बुक में. बट मैं इसको स्टार्ट करती हूँ. अब फर्स्ट, डैश कलर टू योर चीक्स. चीक्स में क्या कलर होता है वो बताना है. डैश कलर टू योर टीथ, इसमें से ढूंढो चीक्स में क्या कलर होता है. डैश कलर टू योर टीथ, क्या हमारे टीथ को कौन से कलर देते हैं वो देखना है आपको. डैश कलर टू योर लिप्स, अपने आप कलर्स लिप्स को क्या कलर देते हैं वो देखना है इसके अंदर, स्ट्रिप के अंदर. डैश कलर टू योर आईज, और आईज को क्या कलर देते हैं वो ढूंढना है इसके अंदर. आपको फोर आंसर इस स्ट्रिप के अंदर मिल जाएंगे, तो आपको फोर आंसर फाइंड आउट करने हैं. तो चलो मैं इसके आंसर बताती हूँ क्या होगा. फर्स्ट, रेड कलर टू योर चीक्स. रेड क्या देता है, आपके चीक्स को कलर देता है. रेड चीक्स हो जाते हैं, गाल लाल लाल हो जाते हैं. व्हाइट कलर टू योर टीथ, व्हाइट हमारे टीथ को कलर देता है. व्हाइट कलर के टीथ होते हैं, तो व्हाइट हमारे टीथ को कलर देता है. पिंक कलर टू योर लिप्स, और पिंक क्या करता है, हमारे लिप्स को कैसे कलर देता है, पिंक पिंक. सिल्वर कलर टू योर आईज, और सिल्वर कौन सा कलर देता है हमारी आईज को, सिल्वर कलर का. थोड़ी हमारी आईज सिल्वर कलर में जाती है. ठीक है, प्योर व्हाइट नहीं होती, थोड़ी सिल्वर कलर की होती है. ओके, तो दीज आर द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चन विच आई आस्क्ड अर्लियर. ठीक है बेटा, तो आप उस वीडियो को वहीं पॉज करके उसके आंसर को फाइंड आउट करो, फिर आप ये आंसर चेक कर सकते हो. ओके, नाउ यू कैन राइट दिस आंसर इन योर बुक. नाउ सी नेक्स्ट, डिक्शनरी फोकस अगेन. द फॉलोइंग वर्ड्स आर मिस स्पेल्ड, करेक्ट देम एंड देन लुक अप द डिक्शनरी. अब आपको मैंने इसलिए बोला था, आपको ना बेटा एक डिक्शनरी लेके आनी है. यू हैव टू परचेज आर डिक्शनरी. ठीक है, जो कि मैं आपको एडक्वा क्वेरी वेबसाइट पे आपको बता दूंगी कौन सी डिक्शनरी लेके आनी है आपको. तो आपको एक डिक्शनरी आपके पास होनी चाहिए. ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिक्शनरी वाले होते हैं और आपको डिक्शनरी देखना आना चाहिए. ओके, सो मेरे पेरेंट्स से, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप एक डिक्शनरी ला के दे दो बच्चों को, ताकि उन्हें ये चीज उनके रूटीन में आ जाए, क्योंकि डिक्शनरी यूज करना उनको आना चाहिए. और डिक्शनरी वेरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब हमारे पास ई डिक्शनरी तो हमारे इसमें होती है, मोबाइल में. ठीक है, इंटरनेट वाली. लेकिन कभी कभी बच्चा उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है नेट के थ्रू. अगर आप देखोगे तो कि बच्चा बहुत ज्यादा वीडियोज देखना स्टार्ट कर देता है, या फिर कुछ ना कुछ मतलब नेट पे लग जाता है वो गेम्स वगैरह में. तो इसलिए डिस्ट्रैक्शन को हमें कम करना है. तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उनको एक पॉकेट डिक्शनरी है वो ला के दो. वो मैं आपको एडक्वा वेबसाइट पे डाल दे दूंगी कौन सी लानी है. नाउ मिसस्पेल्ड वर्ड एंड करेक्ट वर्ड, इधर साइड में होंगे मिसस्पेल्ड वर्ड. मिसस्पेल्ड वर्ड होते हैं बेटा द वर्ड विच आर रॉट इनकरेक्ट. ठीक है, जो इनकरेक्ट लिखी गई है और उनको हमें करेक्ट वर्ड, उसके करेक्ट आंसर को हमें साइड में लिखना है. इस साइड में आपको इनकरेक्ट मिलेंगे और इस साइड में आपको करेक्ट आंसर्स मिलेंगे उसके. ओके, तो देखते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट, सी ओ सी ओ एन. अगर हम कोकून की स्पेलिंग को अगर हम सर्च करेंगे तो कोकून की स्पेलिंग ये नहीं होती है. इस पे ये हम कोकोन, ये इट्स अ कोकोन. कोकोन कुछ नहीं होता, वर्ड कोकून होता है. ठीक है, एक एक्चुअल होती है, इसमें से बेबी निकलता है. बेबी मतलब बेबी क्या, बेबी बर्ड की बेबी जो निकलते हैं ना एक एग में से, उसको बोलते हैं कोकून. उसकी शेल को बोलते हैं कोकून.
ठीक है, तो स्पेलिंग इज रॉन्ग एंड कोकून करेक्ट स्पेलिंग इज COCOON, कोकून। ठीक है, सेकेंड वर्ड इज ब्रिज, ब्रीज, इट्स ब्रीज, और यहाँ पे क्या लिखा है, ब्रिज, ब्रिज, ब्रिज की स्पेलिंग भी ये इनकरेक्ट है। ब्रिज इज माइल्ड विंड, धीमे चलने वाली हवा को बोलते हैं बेटा ब्रीज। ठीक है, तो ब्रिज की स्पेलिंग भी रॉन्ग है यहाँ पे, इट्स ब्रिज और ये है ब्रीज, तो ब्रिज की स्पेलिंग BREZE, दैट इज इनकरेक्ट स्पेलिंग, द करेक्ट वन इज BREZE, ब्रीज। ओके, विगल, WIGLE, विगल, विगल इट्स रॉन्ग, इट्स विगल, विगल, WIGGLE, विगल, विगल इज मतलब कि टेढ़े मेढ़े चलना, ठीक है, मुड़ के चलना, इधर उधर होके, कुछ बच्चे चलते हैं इधर, मतलब कि सही से नहीं चलते हैं प्रॉपर वे में, हिलते डुलते रहते हैं, दैट इज विगल, उसको बोलते हैं विगल, WIGGLE, विगल। फोर्थ इज कैटर, कैटरपिलर, कैटरपिलर की स्पेलिंग ये होती है लेकिन इसमें रॉन्ग दी हुई है, कैटरपिलर, इट्स कैटरपिलर, कैटरपिलर की स्पेलिंग होती है कैटरपिलर, इट्स पिलर, इट्स पिलर, CATERPILER, कैटरपिलर, इट्स रॉन्ग, CATER, कैटर, PILLER, पिलर, कैटरपिलर। ओके, तो ये स्पेलिंग भी आप सही से लिखोगे। नेक्स्ट इज सम, समथिंग, इट्स इट इज रिटन समथिंग बट समथिंग कुछ नहीं होता, समथिंग होता है SOME, सम, THINGथिंग, समथिंग। ओके, इट्स समथिंग, इट इज समथिंग। लास्ट फास्टन, इट्स फास्टनेड, इट्स फास्टनेड, ये फास्टनेड बना, FASTNED, फास्टनेड, और फास्टर्न की स्पेलिंग क्या होती है, FASTERNED, फास्टर्न, ठीक है, बहुत तेज भागना, भागा। ओके, फास्टर्न। ओके, सो दिस इज डिक्शनरी फोकस, अगेन हम डिक्शनरी का ही करेंगे अभी, अभी आगे देखते हैं क्या है इसमें। नाउ फाइंड वर्ड्स इन द स्टोरी दैट मीन, अब स्टोरी में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसका मतलब ये होता है, ये सिनोनियम भी ले सकते हैं इसको हम, ठीक है, जिसका हमें मीनिंग पता होना चाहिए। अब माइल्ड विंड को क्या बोलेंगे, माइल्ड विंड को बोलेंगे ब्रीज। अगर आपके पास ये ब्लैंक में ना होता, बस ये होता अ माइल्ड विंड, तो आप क्या लिखते हो उसके लिए, माइल्ड विंड का क्या आया था आपकी बुक में, स्टोरी में, माइल्ड विंड का मतलब आया था ब्रीज, धीमी धीमी हवा को क्या बोलते हैं, ब्रीज, ठीक है, उसके लिए ये वन वर्ड है, ठीक है, मीन्स इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड ये है, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता है ना, वो है ये। तो बींग्स, बींग्स होते हैं जीव, और जीव को हम क्या बोलते हैं वैसे, क्रिएचर्स, CREATURES, क्रिएचर्स। थर्ड, हैविंग डिफरेंट कलर, कलर बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर, उसे क्या बोलेंगे हम, कलरफुल, COLOUR, कलर, FUL, फुल, कलरफुल। फोर्थ है अ मूवमेंट ऑफ विंग्स, विंग्स की मूवमेंट को फड़फड़ाने को क्या बोलते हैं, फ्लटर, ये मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था वर्ड मीनिंग में, इट्स फ्लटर, ये है बेटा फ्लटर। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट, आई होप दीज वर्ड्स नाउ क्लियर टू यू ऑल, तो ये वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे अब सारे वर्ड्स। ब्रीज इज अ माइल्ड विंड, धीमी धीमी आवाज को, हवा को हम ब्रीज बोलते हैं। क्रिएचर्स मीन्स बींग्स, अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं तो कलरफुल बोलेंगे, अगर मूवमेंट है, कोई बर्ड्स मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उनकी विंग्स बड़े तेज तेज फड़फड़ा रहे हैं, दैट इज फ्लटर। ओके, वी कांट से कि देखो सी द मूवमेंट ऑफ विंग्स, मूवमेंट ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम, ऐसे बोलेंगे सी द बर्ड्स आर फ्लटरिंग, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं, द विंग्स ऑफ बर्ड्स आर फ्लटरिंग, ठीक है, तो ये बोलेंगे हम। तो आप ये फिल कर लेना उसमें बुक में, अपने में ये वर्ड्स में फिल कर लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बेटा कंपाउंड वर्ड्स, ये लास्ट टॉपिक है। कंपाउंड वर्ड्स मीन्स द वर्ड विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू डिफरेंट वर्ड्स विच हैव देयर ओन मीनिंग। कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जो टू डिफरेंट वर्ड्स से बनते हैं, जैसे यहाँ पे सनशाइन है, सनशाइन इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, सन प्लस शाइन, सन प्लस शाइन, सन मीन्स क्या होता है सूरज, और शाइन मतलब चमकना, अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो बन गया सनशाइन, दैट इज कंपाउंड वर्ड, दोनों नाउन होने चाहिए। बटरफ्लाई, एक नाउन और एक वो सॉरी इसकी वर्ब होनी चाहिए, बटरफ्लाई, बटर इज मक्खन, फ्लाई इज उड़ना, ठीक है, बट अगर हम इसको दोनों को ऐड करेंगे तो, अगर हमने दोनों वर्ड को ज्वाइन करा तो ये
ये मत करना कि बटर मींस मक्खन, फ्लाई मींस उड़ना, मक्खन उड़ना। नो, बटर अगर फ्लाई को हम ऐड करेंगे तो बनेगा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज तितली। ओके, वर्ड दूसरे होते हैं, उनका मीनिंग दूसरा निकलता है बाद में, ठीक है बेटा? तो उनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अब इसमें देखना एक चीज और है, ए पार्ट में कुछ वर्ड्स गिवन है, बी पार्ट में भी कुछ वर्ड्स गिवन है, ठीक है? और ए पार्ट के जो आंसर्स है वो मैंने आगे लिखे हुए हैं, इसके मतलब अगेंस्ट अगेंस्ट दीज कॉलम्स, मैंने इसके यहाँ पे कॉलम में इसके आंसर्स को डाला हुआ है। तो यहाँ पर भी 1, 2, 3 से 10 तक है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा आपको। यहाँ पर भी 1, 2, 3 से लेकर 10 तक है, वो भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, ठीक है? यहाँ ए पार्ट है, ये बी पार्ट है। आपको क्या दे रखा है कि मैच अ वर्ड फ्रॉम ए विद अनदर बी टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। ए के वर्ड्स को बी के वर्ड्स से मैच करना है। मैचिंग में ये तो मिलेगा नहीं कि आपको उसके आंसर सामने सामने मिल जाएंगे। मैचिंग में अगर एक वर्ड यहाँ है तो उसका आंसर मे बी बी पार्ट के लास्ट में मिले या लास्ट सेकंड में मिले, है ना? तो यह तो आपको पता ही होगा। तो राइट एंड देन अगर आपको इसका आंसर मिल जाता है तो आप उसको उसके आगे लिखोगे फिर आंसर को। ओके, जैसे एक मैंने डाला हुआ है इसके अंदर। अब देखो बेटा, हेयर, अब यहाँ पे हमें हेयर का पाथ देखो, इसके सामने है तो वो तो आंसर होगा ही नहीं, डेफिनेटली है। कभी कभी हो भी जाता है बट रेयर ही होता है, वैसे बहुत कम होता है। हेयर पाथ तो होगा नहीं, हेयर से बैल, हेयर पाथ ये भी कोई कंपाउंड वर्ड नहीं बनता, हेयर बैल भी नहीं बनता, हेयर फॉल वो यहाँ पे बन तो जाएगा लेकिन उसके लिए कुछ एक दूसरा वर्ड गिवन है तो वो हम देखेंगे। ऐसे ही नेक का देखो, नेक पाथ नहीं बनेगा, नेक बैल नहीं बनेगा, नेक फॉल भी नहीं बनेगा। फुट पाथ, हाँ फुट पाथ बन जाएगा, तो मैंने क्या डाला है यहाँ पे, फुट पाथ। ओके, सो आई हैव एडेड फुट पाथ, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। क्रॉस, क्रॉस के साथ बनेगा क्रॉस वर्ड, क्रॉस वर्ड डाल दिया। डोर, पीछे क्या था, बेल था, तो डोर बेल। एग शेल, एग की शेल जो होते हैं, एग शेल। शॉप, यहाँ पे कीपर, शॉपकीपर बन गया। होम, यहाँ पे वर्क, होमवर्क बन गया। वाटर, यहाँ पे शेक, सॉरी वाटर यहाँ बनेगा, वाटर के बाद यहाँ पीछे था फॉल तो बन जाएगा वाटरफॉल, वाटरफॉल इज झरना। मिल्क शेक, दैट इज मिल्क शेक, ठीक है? कुछ वर्ड्स मैंने पीछे बना दिए, कुछ यहाँ पे गिवन थे क्योंकि यहाँ पीछे इतना स्पेस नहीं था, तो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया है आपको, तो आप इसमें अपनी बुक में सर से इसको करेक्ट करके यहाँ पे इसके आंसर को फिल कर दोगे, ठीक है बेटा? तो दीज आर कंपाउंड वर्ड्स, इनको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स, द वर्ड विच आर फॉर्म फ्रॉम टू वर्ड्स एंड विच हैव देयर ओन मीनिंग ऑल्सो। दो वर्ड होने चाहिए और दोनों के अपने पहले भी मीनिंग होने चाहिए, ठीक है? और उनको ज्वाइन करने के बाद भी एक मीनिंग निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एक कंपाउंड वर्ड देती हूँ, वॉशिंग और मशीन। वॉशिंग इज धोना, मशीन इज मशीन जो होती है, कोई भी मशीन। अगर मैंने दोनों को ऐड करा तो क्या बनेगा, वॉशिंग मशीन, ठीक है? अब मैंने एक और देती हूँ, टूथ प्लस ब्रश। टूथ इज योर टीथ, मतलब आपके जो दांत होते हैं, एक एक अगर बहुत सारे हैं तो वो टीथ हो जाएंगे, अगर एक है तो वो टूथ बोलेंगे हम उसको, ठीक है? तो टूथ प्लस ब्रश क्या बन जाएगा, टूथ ब्रश, दांत पे करने वाला ब्रश, दैट इज टूथ ब्रश, ठीक है? ये होते हैं बेटा कंपाउंड वर्ड्स। क्या होते हैं ये, कंपाउंड वर्ड। अब है, मैंने बोला स्कूल प्लस बस। स्कूल मतलब स्कूल, बस मतलब बस, अगर दोनों को ज्वाइन कर दो क्या बन जाएगा, स्कूल बस, जिसमें कि आप आते जाते हो स्कूल से, ठीक है? घर आना, स्कूल जाना, योर मोड ऑफ ट्रेवलिंग, स्कूल बस। अब हम देखते हैं होमवर्क में क्या है। होमवर्क इज बेटा बिफोर क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर नोटबुक आफ्टर योर आफ्टर वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स के बाद में आपको 4 क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी स्लाइड में, पिछली वाली स्लाइड में, मतलब थर्ड या फोर्थ स्लाइड में जब मैंने क्वेश्चन आंसर करवाए थे, 4 क्वेश्चन आंसर्स, वो आपको नोटबुक में करने हैं। कहाँ पे करने हैं, वर्ड मीनिंग्स के बाद में, ओके? और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, प्लीज डू सेंड होमवर्क ऑन द डेली बेसिस। आप प्लीज होमवर्क जरूर भेजें डेली बेसिस पे। अगर आपको प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट डे उसका आंसर मिल जाता है, लेकिन एटलीस्ट आप कुछ तो भेजें, ठीक है? तो ये मेरे पेरेंट्स से बहुत, मतलब काइंडली मैं बोल रही हूँ बहुत ज्यादा, प्लीज होमवर्क जरूर भेजें, क्योंकि आपके बच्चे की एबसेंट और प्रेजेंट उसके बेस पर ही लग रही है डेली, ओके? और टेस्ट में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था वैसे, बहुत एक्सलेंट सेक्शन में भी बहुत पेरेंट्स ने भेजा है, ब्रिलियंट में थोड़े कम पेरेंट्स ने भेजा था, आउटस्टैंडिंग ऑलराउंडर में बहुत अच्छे, मतलब काफी पेरेंट्स भेज रहे हैं होमवर्क,
ब्रिलियंट में थोड़ा ये था कि टेस्ट थोड़े कम आए थे, तो प्लीज टेस्ट जब भी मैं देती हूँ तो उसको टेस्ट बहुत इजी रहता है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आपको सिर्फ ऑप्शंस दिए होते हैं, चूज द करेक्ट आंसर्स वगैरह टाइप में, ट्रू फॉल्स टाइप में होते हैं, फिलअप्स फॉर्म में होते हैं, तो प्लीज उसको जरूर करवाएं और प्लीज मेरे पास जरूर भेजें। ईमेल मेरी singshivani61@gmail.com, इंग्लिश टीचर की, ऐसे ही हिंदी टीचर की अलग है, मैथ टीचर की अलग है, तो उस अकॉर्डिंग आप भेज सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इसका कोई प्रीवियस होमवर्क सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस लेक्चर में, क्योंकि जो मैंने लास्ट में आपको वर्ड मीनिंग्स लर्न करने के लिए बोला था, और वर्ड मीनिंग्स मैंने आपके ऑलरेडी करवा भी थे, तो वो उसका आपका इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, वो मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुकी हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे एट होम एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। ओके बाय।